और नाज़रीन ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा रिलीफ है। तनख्वाहों में 25% इजाफा, ग्रेड 17 से 22 तक 20% तनख्वाहें बढ़ेंगी, जबकि पेंशन में भी 15% इजाफा किया गया है। और आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में 75 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। इस्लामाबाद से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, ग्रेड 17 से 22 तक 20% इजाफा, पेंशन भी 15% बढ़ा दी गई, कम से कम उजरत 37,000 मुकर्रर, टैक्स स्लैब में भी रद्दो बदल। फाइनेंस बिल के मुताबिक 50,000 रुपए महाना आमदन वाले अफराद इनकम टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। 6 लाख से 12 लाख तक की आमदन पर टैक्स 5% कर दिया गया। सालाना 12 लाख रुपए से 22 लाख आमदन पर फिक्स टैक्स 30,000 और इजाफी 10 लाख पर टैक्स 15% कर दिया गया। सालाना 22 लाख से 32 लाख आमदन पर 1,80,000 रुपए फिक्स टैक्स और बाकी रकम पर 25% इनकम टैक्स आयद होगा। सालाना 32 से 41 लाख आमदन पर 4,30,000 फिक्स टैक्स और इजाफी रकम पर 30% टैक्स होगा। सालाना 41 लाख से जायद आमदन पर 7 लाख फिक्स टैक्स और इजाफी रकम पर 35% इनकम टैक्स अदा करना होगा। नए मुलाजमीन के लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम मुतारिफ करवाई जाएगी, जिसमें हुकूमत का हिस्सा हर माह अदा होगा। इससे मुस्तकबिल के मुलाजमीन की पेंशन इनकी मुलाजमत के आगाज से ही मुकम्मल फंडेड होगी।